हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं वह है बीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पेपर है ये इकोनॉमिक्स का। और ये पेपर लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जैसे कि मैं अपलोड कर ही रही हूँ, आप लोगों को मालूम है। और इससे पहले बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर सभी के एक साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर अपलोड कर रही हूँ। अगर अभी तक आप वो पेपर नहीं देख पाए हैं तो देख लीजिए। और सभी को मालूम है कि एग्जामिनेशन की जो है फॉर्म आ चुके हैं और लास्ट डेट भी सभी को मालूम ही होगी। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो आपको बता दें कि 17 यानी कि कल तक आपके फॉर्म की लास्ट डेट है और ये डेट एक्सटेंड हुई है। दोबारा आप मतलब सोचना कि एक्सटेंड होगी क्योंकि एक ही बार एक्सटेंड होती है डेट, बहुत ही रेयर ही सेकेंड थर्ड बार होती है। लेकिन इस बार आपका अगर फॉर्म फिल नहीं हुआ है 17 तक अपना फॉर्म फिल कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करते हैं तो इसलिए मैं आपके प्रीवियस के क्वेश्चंस पेपर लेकर आई हूँ। इसमें अगर अभी तक आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं या थर्ड ईयर के हैं या फर्स्ट ईयर के हैं तो 4 सब्जेक्ट के मैंने अपलोड किए हैं आपके, सोशोलॉजी और हिंदी और इकोनॉमिक्स और साथ में हिस्ट्री के भी हैं। तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और हिंदी मिरर से भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। और हिंदी के आपको मैं नोट्स भी अपलोड कर रही हूँ और साथ में अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी जरूर सेंड कीजिए, आपकी क्वेरी कंप्लीट की जाएगी। चलिए देखते हैं, पेपर बीए फर्स्ट ईयर 18-19 का ये है और आपका पेपर का नाम था माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने थे। और आपको एक बात बता दें कि ये जो आपके पेपर हैं ये सेमेस्टर पेपर हैं, ईयरली पेपर नहीं है। सेमेस्टर से ही आपको थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चंस किस तरह के आए थे, आपको ये नहीं देखना कि कितने आए थे और कितने नंबर के आए थे। आप सिर्फ अपनी तैयारी कीजिए, जितने भी नंबर के आए, शॉर्ट आए, लॉन्ग आए, वेरी शॉर्ट आए, आपको अगर आता है तो आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अपने क्वेश्चंस पेपर अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन था व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताना था, समसीमांत उपयोगिता के नियम को समझाना था, उदासीनता वक्रों की मुख्य विशेषताएं आपको लिखनी थी, फिर साथ में मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझाना था। एक बात और, अगर आपको एमसीक्यूज़ भी आपके पैटर्न में है, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। मैंने सिलेबस डाउनलोड की भी वीडियो बनाई हुई है तो आप वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो वेबसाइट पर जब आप ओपन करेंगे, वेबसाइट का सरफेस ओपन होगा तो वहाँ पर राइट साइड में सिलेबस लिखा है। सिलेबस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारे आपके सिलेबस ओपन हो जाएंगे, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। और आपके सिलेबस में नीचे लिखा है कि क्या पैटर्न आएगा। अब जैसे हिंदी में है, हिंदी में जो है 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस आएंगे, उसके बाद फिर आपके शॉर्ट हैं, फिर आपके लॉन्ग हैं, तो 3 तरह से पैटर्न बनेगा। और जिनका काव्य है उनके 4 तरह के पैटर्न क्वेश्चंस के बनेंगे। अब आपको इको का, सोशोलॉजी का और साथ में हिस्ट्री का देखना है कि किस तरह का पैटर्न आपके सिलेबस में दिया गया है, तो उसी हिसाब से आपका पेपर भी आएगा। अब देखते हैं, मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझाना था, फिर उसके बाद कॉब डगलस उत्पादन फलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी, पैमाने की बचतों के अंतर्गत आंतरिक व बाह्य बचतों की विवेचना करनी थी, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत के मध्य अंतर करना था। इस प्रकार से ये आपके 8 क्वेश्चंस बने थे। 8वां क्वेश्चन है, औसत आगम, सीमांत आगम व कुल आगम को उचित उदाहरणों की सहायता से समझाना था। अब देख लीजिए यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कितने मैच कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, सम सीमांत उपयोगिता यहाँ पर आ चुका है, व्यष्टि अर्थशास्त्र आ चुका है, तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए। अब आगे हम देखते हैं जो आपके लेंदी क्वेश्चंस थे वो किस प्रकार से आए थे। अब आप ये मत सोचना कि जो लेंदी में है वो शॉर्ट में नहीं जा सकता, जो शॉर्ट में है वो लेंदी में नहीं आ सकता, कुछ भी हो सकता है। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि आप सिर्फ अपना फोकस क्वेश्चंस पे तैयार करने पर रखिए। आप ये मत सोचिए कि ये लेंदी में आएगा। अगर आप लेंदी हाल में तो सारे लेंदी ही क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए, लेंदी में से शॉर्ट निकल जा सकता है लेकिन शॉर्ट में से आप लेंदी नहीं कर सकते हो, तो इसलिए
पैटर्न को आप किस तरह से भी फॉलो करें, लेकिन क्वेश्चंस को कोशिश करें कि आप पूरा कवर करें टॉपिक उसके। अब नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन था, अर्थशास्त्र की रॉबिन्स द्वारा दी गई दुर्बलता संबंधी परिभाषा की आलोचनात्मक विवेचना करनी थी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को चित्र की सहायता से समझाना था। इस नियम के कौन से अपवाद हैं? सीमांत उपयोगिता देखें यहाँ भी आ गया है, और यहाँ आपने देखा था शॉर्ट में भी यहाँ पर सम सीमांत उपयोगिता के नियम आ गए हैं। तो थोड़ा आप थोड़ा सा आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत होती है करने के लिए। आगे देखिए, मांग के लोच के विचार को समझना था। मांग के लोच को मापने की विभिन्न विधियों का विवेचन करना था। अब मांग के लोच यहाँ चेक कर लीजिए कि यहाँ भी क्वेश्चन। अब देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले यहाँ कारक पूछे गए और यहाँ पर मांग के लोच आपसे पूछ ली गई। अब आगे देखते हैं, उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत प्रतिस्थापन के आपको प्रभाव को ज्ञात करने हेतु हिसके दृष्टिकोण अथवा इसलिए टस्की के दृष्टिकोण के को रेखा चित्र की सहायता से आपको समझाना है। यानी कि जो हिक्स के दृष्टिकोण और स्टार्ट के इस्लास्टस्की के जो दृष्टिकोण हैं, उन रेखाचित्रों को आपको रेखाचित्र की सहायता से समझाना था। ठीक है, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो चुकी है बोलने में, तो सॉरी। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न को दोबारा पढ़ देते हैं। इस प्रश्न को उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत, उदासीनता वक्र, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, प्रभाव को ज्ञात करने हेतु उनका क्या प्रभाव रहा, किस किस का, हिसका और इस्लास्टस्की के जो दृष्टिकोण हैं उसको रेखा चित्र के माध्यम से जो उनके प्रभाव रहे हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत, वो आपको बताने थे। और ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोबारा आपको रिपीट किया है, क्योंकि पहले थोड़ा मिस्टेक हो गई बोलने में। चलिए आगे देखते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को सारणी तथा रेखा चित्र की सहायता से आपको समझाना था। अब देखिए, पैमाने के प्रतिफल यहाँ भी आ चुका है, और पैमाना का प्रतिफल आपका ऊपर भी क्वेश्चंस बना था। ठीक है, पैमाने, यहाँ पर पैमाने की बचत के बारे में पूछा गया था, और यहाँ पर आपसे पैमाने के प्रतिफल पूछ लिए गए हैं। ठीक है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल को आपको समझाना था। अल्पकाल तथा दीर्घकाल में औसत सीमांत लागत वक्रों के व्यवहार की विवेचना करनी थी। उचित रेखा चित्रों का, रेखा चित्र आप सभी के डायग्राम सभी के सीख लीजिए। ठीक है, डायग्राम बहुत आते हैं आपके इस वाले पेपर में। विभिन्न बाजार दशाओं के अंतर्गत आगम वक्रों की स्थितियों की विवेचना उपयुक्त रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाना था। अब आते हैं आपके सेकेंड पेपर पर, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये अगर आपके कौन से उसमें आप देख लीजिए, ये भी 18-19 का पेपर है, क्वेश्चन यहाँ पर है। भारत में जल संस्थानों की सब संभावना के बारे में बताना है। भारत में जनाधिक्या की समस्या, भारत में खाद्य सुरक्षा पे टिप्पणी, भारत में कृषि उत्पादकता निम्न होने के कारणों की विवेचना करनी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान का मूल्यांकन, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की समस्याओं का उल्लेख करना था, फिर बाद में आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका बतानी थी, भारत में प्रतिकूल भुगतान संतुलन के उत्तरदायी कारकों को समझाना था। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षणों की विवेचना करनी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के द्रुतगामी कैसे किया जा सकता है इसके बारे में। फिर है भारत की वर्तमान जनसंख्या नीति की आलोचनात्मक विश्लेषण करना था। अब ये 18-19 के हिसाब से है, अब आपको 20-21 और 22 के हिसाब से बताना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की प्रकृति भूमिका तथा महत्व की विवेचना करनी थी। भारतीय कृषि के पिछड़े, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, एग्जाम के लिए तैयार। भारत में कृषि विपणन के प्रमुख दोषों का उल्लेख करना है, सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उद्योगीकरण में उद्योग, कुटीर व लघु स्तरीय उद्योग के योगदान की विवेचना करनी थी। कुटीर व लघु उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्या बन रहा है, भारत की नवीनतम औद्योगिक नीति, ये आपको 21-22 के हिसाब से बतानी है, 18-19 के हिसाब से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय निगमों से क्या तात्पर्य, भारत ने बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है आपको। भारत में विदेशी व्यापार की संरचना तथा दिशा में विगत वर्षों में हुए
परिवर्तनों का आलोचनात्मक आपको परीक्षण करना है। यहाँ पर मूल्यांकन, यहाँ पर परीक्षण, थोड़ा शब्दों का हेरफेर होता है, बाकी क्वेश्चंस एज इट होते हैं। तो बस ये आपके क्वेश्चंस थे दोनों पेपर से, फर्स्ट और सेकंड से। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है। ऐसे यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में। मैं तो पेपर लेकर आ गई हूँ, लेकिन ये पेपर हैं आपके, ठीक है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाइए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर लीजिए, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के लिए जिनके लिए यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। और आपको एक छोटा सा लाइक तो बनता है, कर दीजिए, साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए हिंदी मिरर के लिए। हिंदी मिरर आपकी समय समय पर सारी क्वेरीज कंप्लीट भी करता है, तो बने रहिए और शेयर कीजिए, केयर कीजिए।